हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पावधर विश्वविद्यालय की तरफ से एक अपडेट्स आई है। आज हम इसी अपडेट्स के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपडेट्स बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही सही प्राप्त हो सके। क्योंकि कल मैं जो वीडियो अपलोड की थी आप सभी के लिए, उस वीडियो में मैं आप सभी के जो भी कमेंट्स थे वो सभी कमेंट्स का जो है जवाब दी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जवाब देने के बाद भी वो कमेंट कर रहे थे, सेम कमेंट कर रहे थे। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही सही प्राप्त हो सके। आप लोगों को जो भी प्रश्न है वो सभी का उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बिल ऑन करते ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स रहे अवध विश्वविद्यालय की तरफ से या अवध विश्वविद्यालय के एफिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी पूरी अपडेट्स आपको नोटिस के माध्यम से अपडेट करते हैं। यहाँ पे अवध विश्वविद्यालय की तरफ से यह ऑफिशियली अपडेट्स में आप सभी को बताया जा रहा है, जो कि अवध विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी जारी है ये नोटिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप सभी को बताया जा रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरफ से यह नोटिस को जारी किया गया है, जो कि दिनांक 14/2/2022 को यह नोटिस को जारी किया गया है। लेकिन साइट पे इसे आज ही अपडेट किया गया है। अधिसूचना में आप सभी को बताया जा रहा है, अयोध्या द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय एवं उनसे संबंधित समस्त छात्र एवं छात्राओं सूचित किया जाता है कि वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत स्नातक, बीएससी गृह विज्ञान, बीपीएस, बीलिव आदि एवं प्रस्नातक संस्थागत भूतपूर्व व्यक्तिगत परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाएं निम्न अनुसार निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए विवरण में आप सभी को दिया गया है, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो दिया गया है। प्रारंभ तिथि है जो कि 24/1/2022 से लेकर के अंतिम तिथि है 28/2/2022 तक। विवरण नंबर 2 में आप सभी को बताया जा रहा है, महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को संशोधित करने एवं परीक्षा आवेदन पत्र को सत्यापित करने की जो तिथि है वो प्रारंभ तिथि 24/1/2022 से लेकर के अंतिम तिथि 2/3/2022 तक ले है। आगे देखिए आप सभी को बताया जा रहा है, छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है, यानी कि किस तरह से आवेदन पत्र को भरना है ये इसके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को देखिए अवध विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट www.rmlauexams.in पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर मेन एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट पे क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर आप लोगों को फॉर्म में जो भी चीज़ फिलअप करना है उन सभी चीज़ों को फिलअप करने के बाद वहाँ पे ऐसे है जो कि आप लोगों को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो कि 2 प्रतियों में निकालना है। एक प्रति है जो कि आप लोगों को कॉलेज में जमा करना होगा, दूसरा प्रति है जो कि आप लोगों को खुद अपने पास सुरक्षित रखिएगा। नंबर 7 में देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि छात्र छात्रा महाविद्यालय में त्रुटि रहित परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ही जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, महाविद्यालय हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्रों को सत्यापित करने से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो बताया गया है। तो इसके लिए देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि छात्र छात्राओं द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम अनुसार जमा किए गए परीक्षा आवेदन पत्रों को सत्यापित वेरीफाई करने विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rmlauexams.in खोलेंगे। यदि किसी छात्र छात्रा की परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटि हो तो ऐसी दशा में महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं से परीक्षा आवेदन पत्र को संशोधन करने के उपरांत ही परीक्षा आवेदन पत्र का सत्यापित करेंगे। यदि किसी महाविद्यालय के द्वारा त्रुटि रहित परीक्षा आवेदन पत्र का सत्यापित किए जाएंगे तो इसकी समस्त जिम्मेदारी है जो कि संबंधित महाविद्यालय एवं छात्र छात्राएं स्वयं होंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप लोगों को सारी अपडेट्स दिया गया है। जो भी है मेन अपडेट्स मैं आपको देखिए यहाँ पे बता रही हूँ। नंबर 4 में देखिए आगे आपको मैंने यहाँ पे बताया जा रहा है कि सत्र 2020-21 में जो समाप्त हो गई है तो उस महाविद्यालय द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम और विषय के सत्र 21/22 हेतु संवाददाता विस्तारण प्राप्त किए गए बिना छात्र छात्राओं के प्रवेश किसी भी दशा में ना लिया जाए। आगे देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि स्नातक विषयों में पाठ्यक्रम अवधि 6 वर्ष एवं स्नातक विषयों के पाठ्यक्रम अवधि 4 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी यदि छात्र छात्राएं द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र पूरित किया जाता है एवं परीक्षा आवेदन पत्र को संबंधित महाविद्यालय द्वारा सत्यापित या वेरीफाई किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालय की होगी। उक्त पूरित किए गए परीक्षा आवेदन पत्र का स्वतः निरस्त माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप सभी को बताया जा रहा है, जो भी स्टूडेंट्स स्नातक, बीएससी, गृह विज्ञान, बीपीएस, बीलिव एंड प्रस्नातक के जो स्टूडेंट्स है इन सभी की जो है भूतपूर्व परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षा है जो कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाएं हैं जो कि निम्न अनुसार निर्धारित कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अपना पत्र को जल्दी से भर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक अपने फॉर्म को नहीं फिलअप किए हैं वो सभी स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि ये 24 तारीख पहला महीना 2022 से ही शुरू है। इसकी अंतिम तिथि भी आप लोगों को बता दिया गया है कि 28 तारीख दूसरा महीना 2022 तक ले। इसलिए अभी तक जो भी स्टूडेंट्स नहीं भरे वो भर लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जिन लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स रहे अवध विश्वविद्यालय की तरफ से या अवध विश्वविद्यालय के एफिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।